हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। बैंक प्रमोशन एग्जाम 2024 के मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे थे, तो मॉक टेस्ट नंबर 3 आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एक सोच है, वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। द की टू ए हैप्पी लाइफ इज पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारी सोच अगर सकारात्मक है, हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और कुछ ऐसे विचार आने लग गए कि हमने क्या पढ़ा है, मुझे याद नहीं है, इस टाइप्स के विचार नहीं लाना। हमने जो पढ़ा है उसी में से एग्जाम आएगा, और हमने एनफ पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पढ़ा है सब कुछ उसमें से ही आएगा। चलिए, तो इस मॉक टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल्ड क्वेश्चंस और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्लेरिकल टू स्केल 1 और सब स्टाफ टू क्लेरिकल, दोनों साथियों के लिए, दोनों कैडर के साथियों के लिए हमारा ये टेस्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। 65 क्वेश्चंस टेस्ट में है, जो 1 से 50 क्वेश्चंस हैं वो सारे बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी बैंक के साथी हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और 51 से 65 हैं वो पीएनबी स्पेशल है, जो पीएनबी के उन्हीं के लिए रखे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू ओपन SCSS अकाउंट इज। अब SCSS अकाउंट कौन सा होता है ये तो जानते होंगे ना, तो सभी लोग जानते होंगे, गवर्नमेंट बिजनेस हमने पढ़ा है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना होता है, नील 100 रुपये, 500 रुपये या फिर 1000 रुपये, फटाफट आंसर करें। आई थिंक सभी का सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 1000 रुपये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ PMAGP। अब मैंने आपको बताया था, नोडल एजेंसी जो है, जो डिपार्टमेंट इनको हैंडल कर रहा है, वो सभी का आपको पता होना चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो PMAGP की नोडल एजेंसी कौन है, मुद्रा की नोडल एजेंसी कौन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब बताइए क्वेश्चन का आंसर कीजिए, नाबार्ड, KVIC, RBI, SIDBI। अब मोस्ट ऑफ द पीपल ने तो SIDBI आंसर करना स्टार्ट कर दिया होगा ना, क्यों भाई, कि SIDBI तो काफ़ी सारों को यहाँ पे नोडल एजेंसी है, काफ़ी सारों को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन PMAGP की नोडल एजेंसी है वो कौन है, KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, जो हमने क्लास में पढ़ा था, तो KVIC है वो PMAGP की नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटी बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे कम्युनिटी को डिसाइड करता है कि कौन सी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी में सम्मिलित किया गया है, मुस्लिम्स को, सिख्स को, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट को, जियोपार्डिस्ट भी होता है एक, तो बताइए फटाफट आंसर कीजिए इसका आंसर क्या होगा। यस, कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करते जाएं, तो आई थिंक ऑलमोस्ट पीपल का सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये सारे यहाँ पे इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड इन केस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। IP पे किस टाइप का चार्ज क्रिएट किया जाता है, हाउसिंग लोन किसी को दिया तो हाउस पे किस टाइप का चार्ज क्रिएट किया जाएगा, असाइनमेंट का, हाइपोथिकेशन का, मॉर्टगेज का, बेलमेंट का, सही है सभी का, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, IP पे मॉर्टगेज क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसेंटिव पेबल बाय नाबार्ड टू JLG प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर इंफॉर्मेशन नर्चरिंग एंड क्रेडिट लिंकेज ऑफ JLG। अब यहाँ पे नाबार्ड है वो JLG प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस को इंसेंटिव देता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सीनियर्स के एग्जाम में पूछा गया, इसका आंसर कितने लोगों को आता है, कितने रुपए का इंसेंटिव यहाँ पे नाबार्ड देता है, 1000 रुपये प्रत्येक JLG के लिए, 2000 रुपये, 4000 रुपये या 10000 रुपये प्रत्येक JLG के लिए, फटाफट आंसर करें इसका आंसर कितने लोगों को आता है, कर दिया सभी ने। अब ऑप्शन नंबर सी कितने लोगों ने टिक किया है, उन सभी का सही है, ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट आंसर, 4000 रुपये JLG का यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है, ये 2000 रुपये की दो किस्तों में मिलता है, ठीक है, 2000 रुपये की दो इंस्टॉलमेंट में ये इंसेंटिव है वो मिलता है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिचुएशन द रिलेशनशिप नॉट टर्मिनेटेड बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। इनमें से कौन सी सिचुएशन में बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट नहीं होगा, कस्टमर अरेस्ट हो गया, कस्टमर किसी अदर कंट्री में माइग्रेट हो गया, नहीं विस्थापित हो गया है, कस्टमर ने अकाउंट क्लोज कर दिया है, या फिर एजेंट है, कस्टमर ने किसी को एजेंट बनाया है अपने अकाउंट में, वो माइनर है, तो इनमें से कौन सी स्थिति में बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट नहीं होगा, फटाफट आंसर करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा ईजी है। कर दिया सभी ने, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4,
सिर्फ अकाउंट क्लोज पे ही यहाँ पे रिलेशन टर्मिनेट होगा, बाकी कस्टमर के गिरफ्तार होने से भी अकाउंट रिलेशन टर्मिनेट नहीं होगा, कस्टमर का दूसरे देश में विस्थापित होने से भी यहाँ पे रिलेशनशिप टर्मिनेट नहीं होगी, एजेंट माइनर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया उसके बाद बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है वो एंड हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे थ्री है, थ्री इसमें है, थ्री इसमें, तो ये तो होगा नहीं, 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ स्मॉल अकाउंट्स द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट गो अबव। अब स्मॉल अकाउंट में एट ए टाइम मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट पे मैक्सिमम बैलेंस किसी दिन कितना रह सकता है, 10,000 रुपये, 20,000, 50,000, 1,00,000, तो सभी का सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल अकाउंट में 50,000 रुपये और मैक्सिमम एट ए पॉइंट 50,000 रुपये रह सकता है, एक साल में 1,00,000 रुपये हो सकता है। व्हाट टाइप ऑफ सिग्नेचर इज एसेंशियल अंडर ट्रंकेशन ऑफ चेक। अब CTS में किस टाइप्स के चेक कस्टमर के चाहिए होते हैं, कस्टमर ने कोई चेक यहाँ पे दिया है, हम CTS क्लियरिंग में लगा रहे हैं, तो किस टाइप्स के एसेंशियल सिग्नेचर्स चाहिए, ब्लैक इंक में सिग्नेचर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चाहिए, या फिर डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, या फिर नॉर्मल सिग्नेचर एज डन इन एनी अदर चेक। आई थिंक सभी का सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर को क्या मालूम हम चेक को CTS में क्लियरिंग करें या मैन्युअली कर रहे हैं, कस्टमर तो जानता ही नहीं, उसने तो अपना चेक रिप्रेजेंट कर दिया, ये प्रोसेस तो हमारे इंटरनल है ना। तो जो नॉर्मल सिग्नेचर कस्टमर किसी चेक पे करता है वही चेक पे यहाँ पे CTS पे साइन चाहिए होते हैं। अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ लोन एप्लीकेशन अंडर MSME कैन बी अप्लाइड थ्रू PSBLoans59Minutes.com पोर्टल। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला तो ये PSBLoans59Minutes की वेबसाइट का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। PSBLoans59Minutes की जो वेबसाइट है वो आपको पता होनी चाहिए। अब कितने अमाउंट तक के MSME के लोन हैं जो PSBLoans59Minutes के तहत किए जा सकते हैं, 1 करोड़ रुपये तक के, 2 करोड़ के, 5 करोड़ के, या फिर 10 करोड़ के, मैक्सिमम लिमिट पूछी गई है, फटाफट आंसर करें। सभी का सही है ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम 5 करोड़ है, मैक्सिमम मिनिमम कितना है भाई। अब मिनिमम के रिगार्डिंग PSBLoans59 की वेबसाइट पे भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ जगह पे तो 10,00,000 रुपये दे रखा है और कुछ जगह पे 1,00,000 रुपये दे रखा है, कहीं पे तो 10,00,000 से 5 करोड़ दे रखा है, कहीं पे 1,00,000 से 5 करोड़ दे रखा है, दोनों जगह कंफ्यूजन वाली स्थिति है, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट है वो 5 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following check is not valid for payment by bank? इनमें से कौन सा चेक है जो बैंक के पेमेंट करने के लिए वैलिड नहीं है, मतलब इस टाइप के चेक का पेमेंट नहीं किया जा सकता, कौन से चेक का नहीं किया जा सकता। रिटन इन डिफरेंट इंक, अलग अलग स्याही से चेक लिखा गया है, डिफरेंट हैंडराइटिंग से लिखा गया, अलग अलग हैंडराइटिंग यूज हुई है, जैसे नाम लिखने में, पेई का नाम लिखने में अलग हैंडराइटिंग है, अमाउंट इन वर्ड्स में अलग राइटिंग है। चेक विद इम्पॉसिबल डेट, जैसे यहाँ पे 30 फरवरी का चेक यहाँ पे कस्टमर ने दे दिया, 30 फरवरी का चेक कस्टमर ने दे दिया, इस टाइप का चेक है, या फिर म्यूचुअलिटेड चेक है, एक कटाफटा चेक है, तो किस टाइप के चेक का हम पेमेंट नहीं कर सकते। अब हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो ही हम इसका आंसर कर पाएंगे, फटाफट आंसर करें। आई थिंक सभी का सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली डी। इम्पॉसिबल डेट का चेक है, उसको मंथ की लास्ट डेट का पेमेंट किया जा सकता है, डिफरेंट इंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट हैंडराइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेक कटाफटा है, हम इस चेक को इस टाइप से डील ही नहीं कर सकते कि ये एक चेक है, एक इस टाइप से पीस ऑफ पेपर बन गया है, चेक जैसा लग ही नहीं रहा, तो इस टाइप का म्यूचुअलिटेड चेक है उसका पेमेंट नहीं किया जा सकता, चेक सही कंडीशन में होना जरूरी है पेमेंट के लिए। मिनिमम पीरियड ऑफ सेल नोटिस रिक्वायर्ड टू बी सर्व टू द बोरोवर अंडर सेक्शन 13(4) ऑफ सरफेसी। अब सरफेसी में कम से कम कितने टाइम का नोटिस पीरियड बैंक को कस्टमर को देना होगा सेल के रिगार्डिंग, बताइए 15 दिन का, 30 दिन का, 45 दिन का, या फिर 60 दिन का। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है ना इस टाइप्स के क्वेश्चन में, इसीलिए हम करें, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 30 डेज का नोटिस पीरियड कम से कम कस्टमर को देना होता है। देन नोडल बैंक फॉर पड़ो प्रदेश स्कीम, पड़ो प्रदेश स्कीम के लिए नोडल एजेंसी किस बैंक को बनाया गया है, RBI को, केंद्रा बैंक को, PNB को, SBI को, फटाफट आंसर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, केंद्रा बैंक है, वो पड़ो प्रदेश स्कीम के लिए नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेरेशन टाइमलाइन फॉर पब्लिशिंग इन वेबसाइट। अब किसी कस्टमर को विलफुल डिफॉल्टर यहाँ पे घोषित कर दिया कि जानबूझकर की अमाउंट नहीं दे रहा है, विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर होने के कितने दिन के भीतर भीतर जो कस्टमर है उसको वेबसाइट पे पब्लिश करना होगा, 1 वीक में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, या फिर 1 साल। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर कितने लोगों को आता है, फटाफट आंसर करें, इसका आंसर कितने लोगों को आता है, कर दिया आंसर, अब देखो कितने लोगों का सही, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1 वीक में इसका वेबसाइट पे पब्लिश करना होता है। अब कितने लोगों का सही है ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन एसजीबी इज 1 ग्राम। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम चाहिए होता है, मैक्सिमम लिमिट है वो अलग अलग है। मिनिमम तो 1 ग्राम है, मैक्सिमम अलग अलग है। इंडिविजुअल और एचयूएफ कैटेगरी के लिए तो मैक्सिमम 4 लाख है, लेकिन ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी? 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या फिर 40 किलोग्राम? फटाफट आंसर करें। ये एक फाइनेंशियल ईयर की होती है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर से इतना परचेज किया जा सकता है। यस, किसी को दिक्कत नहीं होगी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 20 किलोग्राम ट्रस्ट और अदर एंटिटी सिमिलर एंटिटी के केस में होगी। एज ऑन डेट व्हिच करेंसी इज हैविंग हाईएस्ट वैल्यू? आज के टाइम में कौन सी करेंसी की हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें किसकी है? कुवैत दिनार की, ओमानी रियाल की, ब्रिटिश पाउंड की, यूएस डॉलर की? फटाफट आंसर करें, कि हमने तो सुना ऑलमोस्ट यूएस डॉलर ही है, हम तो ज्यादातर डॉलर में ही डील करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही हम टिक कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा ही कर रहे हो? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कुवैत दिनार है। इसके एज ऑन डेट हाईएस्ट वैल्यू है रुपीज 270 के समथिंग, कुवैत दिनार की वैल्यू है, जो डॉलर की वैल्यू का लगभग आप मान सकते हो कि 3.5 गुना की समथिंग है, डॉलर का 3.5 गुना की समथिंग है कुवैत दिनार की वैल्यू। तो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा एक क्वेश्चन एक बैंक प्रमोशन एग्जाम में पूछा गया था, वहां पे कुवैत दिनार ऑप्शन नहीं था, वहां पे जीबीपी उसका आंसर था, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए थे ना उसमें जीबीपी की वैल्यू सबसे ज्यादा थी। तो आपको ये सारी करेंसीज की वैल्यू ध्यान में नहीं रखनी, ठीक है? ऑलमोस्ट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, कर ही रही चीज जीबीपी की डॉलर से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक्स प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू पुअर पीपल एट अफोर्डेबल कॉस्ट, दिस इज नोन एज। अब कि हर एक कस्टमर को, सोसाइटी के हर एक पीपल को बैंकिंग सर्विसेज मिले इस टाइप्स की अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पैरा बैंकिंग, नेहरो बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन? आई थिंक सभी का सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तो इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज वाला टेस्ट बहुत ईजी है ना, ईजी लग रहा है सबको? रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाई बैंक्स ऑन डिप, अब ईजी लग रहा है तो इसका आंसर कीजिए मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो अमाउंट डीप में चला गया है उस पे बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा? 2% का, 3%, ऐसा ही 3% से ही, या फिर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? बताएं फटाफट इसका आंसर कितने लोगों को आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके सीनियर्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिकॉल्ड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब की सर हमें तो ये नहीं पता एस आई और सी आई क्या होता है, बिल्कुल ये भी बताएंगे। ऐसा ही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैरी हो रहा है। सीआई होता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों अमाउंट मिलाकर के यहाँ पे जो मैच्योरिटी अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट कैरी होता है, तो ये होता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट। लेकिन डीप में कोई अकाउंट चला गया तो ये फिर कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, 3% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट 3% पर एनम के हिसाब से मिलता है, 3% ऐसा ही पर एनम, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरी और मोहन का एक जॉइंट सेविंग अकाउंट था जिसमें इंस्ट्रक्शन था आइदर सर्वाइव, मतलब दोनों में से कोई भी एक ऑपरेट कर सकता है। बैंक ने यहाँ पे गार्निशी ऑर्डर इश्यू किया है हरी के नाम पे और अकाउंट में बैलेंस है 10,000 रुपए का, तो एज ए बैंकर आप क्या करोगे? क्या पूरे अमाउंट है उस पे गार्निशी ऑर्डर को अप्लीकेबल कर दोगे, या फिर जो हरी का शेयर है अमाउंट में उस पे अप्लीकेबल करोगे, या फिर अप्लीकेबल ही नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई? फटाफट आंसर करें। तो गार्निशी और अटैचमेंट ऑर्डर का कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो हम इसका आंसर बहुत इजीली कर पाए। आई थिंक सभी का सही है ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, गार्निशी ऑर्डर इस केस में अप्लीकेबल नहीं होगा, अटैचमेंट ऑर्डर होता तो प्रोरेटा बेसिस पे अप्लीकेबल हो जाता। फॉर एडजस्टिंग ओवरड्राफ्ट इन प्रोप्राइटरी अकाउंट्स द बैंक कैन एडजस्ट अमाउंट फ्रॉम द सेविंग्स बैंक ऑफ प्रोप्राइटरी एज पर। अब अमाउंट का जो एडजस्टिफिकेशन होता है, किसी कस्टमर के दो अकाउंट से लोन अकाउंट में वो डिपॉजिट नहीं करवा रहा है तो उसके सेविंग अकाउंट से बैलेंस को लोन अकाउंट में डाल देना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेट ऑफ गार्निशी अटैचमेंट ऑल अबाउट। तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट ऑफ सेट ऑफ बैंकर्स के पास हमेशा अवेलेबल रहता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्क वेट ऑन एडवांसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज एंड स्टेट गवर्नमेंट गारंटी इज। अब जो गारंटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी होती है उस पर भी बैंक के साथ रिस्क वेट होता है। बैंक जैसे क्रेडिट कार्ड दे रहा है, अपने स्टाफ को लोन दे रहा है, वो भी रिस्क वेट कैरी करता है, लगभग 20% का रिस्क वेट कैरी करता है। अपने आम स्टाफ को भी लोन दिया जा रहा है तो भी, तो यहाँ पे ये बताइए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो रिस्क लोन दिया जा रहा है उस पर कितना रिस्क कैरी होगा? अब ये रेस्पेक्टिवली लिखा है, सेंटर का 0, स्टेट का भी 0, सेंटर का 0, स्टेट का 20, सेंटर का 20, स्टेट का 0, सेंटर का 20, स्टेट का 20,
तो पहली बात तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से तो बड़ी होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट से तो कम ही रिस्क कैरी होगा ना, कि बड़ी गवर्नमेंट है जो पूरे देश को चला रही है, तो स्टेट से तो कम ही रिस्क कवर होगा यहाँ पे, तो स्टेट यहाँ पे बाद में आ रहा है तो कम यहाँ पे सेंटर का होगा। तो पहले दो ऑप्शन में से ही हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे तो ज्यादा कर रखा है, ठीक है, इक्वल वाला हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। तो अब बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। अब कितने लोगों का सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट पे 0% का रिस्क कैरी होता है और स्टेट गवर्नमेंट पे 20% का रिस्क वेट होता है, ये चीज आप ध्यान में रखें। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएनबी हैज ओपन ए करंट अकाउंट विद बैंक ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क इन यूएस डॉलर फॉर कैरिंग आउट इट्स डे टू डे ऑपरेशंस फॉर पीएनबी दिस अकाउंट इज नोन है। अब पीएनबी ने न्यूयॉर्क में यूएस डॉलर्स में अपना अकाउंट ओपन किया है अपने बिजनेस कैरी करने के लिए, अपने डे टू डे बैंकिंग के लिए। तो पीएनबी की बुक्स में ये अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होगा, नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो या फिर नन ऑफ दिस, फटाफट आंसर करें। और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, लास्ट वाले मॉक में मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको नोस्ट्रो वोस्ट्रो। सही है सभी का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एन फॉर नेशनल, नेशनल का विदेशी के साथ, पीएनबी क्या है नेशनल, नेशनल का विदेशी के साथ, तो ये नोस्ट्रो अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉमिनेशन इन सेविंग अकाउंट इज, अब सेविंग अकाउंट्स में नॉमिनेशन है उसके बारे में बताइए। कंपलसरी इन सिंगल अकाउंट एंड ऑप्शनल इन जॉइंट अकाउंट, क्या सिंगल अकाउंट में कंपलसरी और जॉइंट अकाउंट में ऑप्शनल रहेगा, या फिर दोनों अकाउंट में कंपलसरी रहेगा, या फिर दोनों अकाउंट में ऑप्शनल रहेगा, या फिर सिंगल अकाउंट है उसमें ऑप्शनल है और जॉइंट अकाउंट में कंपलसरी है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यस, कर दिया सभी ने आंसर। अब कितने लोगों का सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे नॉमिनेशन कंपलसरी नहीं है भाई, नॉमिनेशन आरबी ने बोला है कि ऑप्शनल है, कस्टमर चाहे तो सिंगल अकाउंट में भी करवा सकता है, जॉइंट अकाउंट में भी करवा सकता है, करवा सकता है, उसकी इच्छा है, यहाँ पे ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल रजिस्ट्री हैव बीन सेटअप एट न्यू दिल्ली विद इफेक्टिव फ्रॉम 31/3/2011 अंडर प्रोविजंस ऑफ, जो अब जो शेरशाही है, जो सेंट्रल रजिस्ट्री है वो यहाँ पे रजिस्टर की गई, तो वो कौन से एक्ट के अनुसार रजिस्टर की गई, सरफेसी एक्ट, सीजीटीएमएसी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या फिर शेरशाही एक्ट, फटाफट आंसर दीजिए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल रजिस्ट्री है वो सरफेसी एक्ट के अनुसार रजिस्टर की गई है। इफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट इज नॉट क्लेम्ड फॉर 7 years इट विल बी ट्रांसफर टू द फॉलोइंग फंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे सेविंग अकाउंट यहाँ पे इनऑपरेटिव हो जाता है तो वो डीप में चला जाता है, उसी प्रकार कंपनी ने यहाँ पे, किसी पर्सन ने कंपनी के शेयर परचेज कर रखे थे, उस पर्सन ने शेयर बेच दिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में, मिड ऑफ द ईयर बेच दिए, अब उसका डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया तो कंपनी ने डिविडेंड देना था, अब डिविडेंड के लिए यहाँ पे मिला नहीं वो पर्सन, तो वो डिविडेंड 7 साल के बाद यहाँ पे कौन से अकाउंट में चला जाएगा, क्या डीप अकाउंट में चला जाएगा, या फिर RIDF अकाउंट में चला जाएगा, या फिर IEPF अकाउंट में चला जाएगा, या फिर RRRF अकाउंट में, RRRF अकाउंट में चला जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए। तो डीप तो हम लोगों के लिए बहुत इजी टर्म है, हम बहुत पढ़ चुके हैं, तो आंसर ठोक दिया होगा ना डीप। कितने लोगों ने डीप किया है, तो सभी का गलत है जिन्होंने डीप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डीप नहीं होता, यहाँ पे होता है IEPF, जो स्टॉक मार्केट है, शेयर से रिलेटेड है, वहां पे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड होता है, इसका नाम IEPF होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो ये जो डिविडेंड था ये IEPF अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो रूरल रीजनल रूरल बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक का पार्ट होता है, तो इनकी शेयर होल्डिंग का रेशियो क्या रहता है बताइए, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, कितना स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी और कितना यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक लगाएगा, फटाफट आंसर करें। तो कितने लोगों को आता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 50% राशि लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट 15% लगाती है और स्पॉन्सर बैंक है वो 35% की राशि लगाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, 50-15-35 का रेशियो होता है सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर एन इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड गिवन प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू होल्डर टू कंप्लीट इट फॉर अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन इच। अब एक पर्सन ने यहाँ पे अपना साइन करके इंस्ट्रूमेंट दे दिया, डेट नहीं लिखी है कि आप इसको कंप्लीट कर लेना, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट या फिर अलाउंस। आई थिंक सभी का सही होगा, बहुत बार पढ़ाया है। तो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं जो इनकम्प्लीट होता है और उसको कंप्लीट किया जा सकता है।
अब बेसल थ्री के कौन से पिलर्स हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेसल थ्री के कितने पिलर है। यहाँ पे बताया है पिलर वन, पिलर वन में बताया है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में, पिलर टू में सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के बारे में, पिलर थ्री में मार्केट डिसिप्लिन के बारे में। अब इसका आंसर कीजिए, इनमें से कौन से बेसल थ्री के पिलर हैं? अब कितने लोगों को आता है कि सर हमने तो सीआईबी नहीं किया है, तो जनरल क्वेश्चन है ये सीआईबी का, आप इसको जोड़ सकते हो सीआईबी से, लेकिन बैंकिंग में भी इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये ध्यान में रखना है बेसल थ्री है तो थ्री के तीन ही पिलर है, बेसल थ्री के तीन पिलर है। पिलर वन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करता है, पिलर टू सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के बारे में बात करता है, और पिलर थ्री है वो मार्केट डिसिप्लिन के बारे में बात करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सीबीएस एनवायरमेंट ब्रांच ए हैज पेड द चेक ऑफ बी ब्रांच। अब यहाँ पे ब्रांच ए ने बी ब्रांच का कोई चेक था उसका पेमेंट किया है सीबीएस में। बाद में ये पता चला कि जो चेक था वो तो फेक था, नकली चेक था। आफ्टर द पेमेंट इज मेड व्हिच ब्रांच शुड रिपोर्ट द फ्रॉड टू हेड ऑफिस। अब इनमें से कौन सी ब्रांच है वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट करेगी? चेक तो बी ब्रांच का था, पेमेंट ए ब्रांच ने किया है, तो कौन सी ब्रांच रिपोर्ट करेगी? ब्रांच ए, ब्रांच बी, या फिर बोथ ब्रांचेज, या फिर दोनों में से कोई भी एक ब्रांच? फटाफट आंसर कीजिए, यस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो जिस ब्रांच ने पेमेंट किया है उसकी लायबिलिटी बनती है, जिस यूजर ने पास किया है वही तो करेंगे भाई, तो जिस ब्रांच ने पेमेंट किया उसकी लायबिलिटी है कि रिपोर्ट करेंगे वो कि फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोसेस बाय विच द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज प्रोजेक्टेड एज अनटेंड इज नोन एज। अब इस टाइप से मनी को यहाँ पे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा देना कि वो ऐसा लगे कि जीनियन मनी है, लेकिन वो गलत तरीकों से मनी है वो यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लैक मनी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर, मनी लॉन्ड्रिंग। अब फटाफट आंसर कीजिए, तो हमें बैंकिंग के पर्पज से आंसर देना है, कहीं ब्लैक मनी पे आंसर करने लग जाओ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है, जो मनी है वो ब्लैक मनी है, मनी ब्लैक मनी है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आंसर नहीं करना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो प्रोसेस है जो मनी लॉन्ड्रिंग से बचाती है, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को यूज किया जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग ये प्रोसेस होती है। मिनिमम टीयर वन कैपिटल रिक्वायर्ड बाई बैंक एज पर बेसल थर्ड फॉर इंडिया एज अडोप्टेड बाई आरबीआई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने लोगों को इसका आंसर पता है? टीयर वन कैपिटल मिनिमम कितनी होनी चाहिए बेसल थ्री के अकॉर्डिंग? 3%, 4%, 7%, 10%? फटाफट आंसर करें, यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो मिनिमम 7% की यहां पे रिक्वायरमेंट होती है टीयर वन कैपिटल की बेसल थ्री के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर मस्ट बी। अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, एस एस ए अकाउंट है, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना एस एस वाई अकाउंट भी बोलते हैं, तो इसको कौन ओपन कर सकता है? एनी फीमेल, क्या कोई भी फीमेल ओपन कर सकती है, या फिर गर्ल चाइल्ड ओपन कर सकती है, और साथ में गर्ल चाइल्ड के साथ बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज जिनकी उम्र 10 साल से कम है क्या वही ओपन कर सकते हैं, या फिर बोथ वी एंड सी? आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एनी फीमेल मतलब कोई भी एज की फीमेल थोड़ी ना ओपन कर सकती है, वही गर्ल चाइल्ड ओपन कर सकती है जिनकी एज 10 साल से कम है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर थर्ड ट्रेंच ऑफ पीएम स्वनिधि। अब पीएम स्वनिधि में तीन ट्रेंच होती है, थर्ड ट्रेंच में मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है? तो मैक्सिमम तो हमें पता है कितना होता है, 50,000 रुपए। अब 50,000 भी दो ऑप्शन में दिया गया है, अब हमें मिनिमम पे देखना पड़ेगा भाई, मिनिमम कितना होता है, 20,000 या फिर 30,000? यस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड ट्रेंच में मैक्सिमम अमाउंट 50,000 होता है और मिनिमम अमाउंट है वो 30,000। थर्ड ट्रेंच आप दे रहे हो तो कम से कम 30,000 तो आपको डिस्पर्स करना ही है, मैक्सिमम 50,000 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉजिटिव पे सिस्टम इज डेवलप्ड बाई। पॉजिटिव पे सिस्टम को किसने डेवलप किया है? आरबीआई, एनपीसीआई, नाबार्ड, सेबी। अच्छा अब ये बताइए कि कितने लोगों ने आरबीआई आंसर लगाया है? तो जिसने भी आरबीआई आंसर लगाया है ना, उन सभी का गलत है, ठीक है? आरबी इसका आंसर नहीं होगा। जो पॉजिटिव पे सिस्टम है, जो प्रोसेस है, एक चीज तो आप हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी सिस्टम डेवलप कर रहा है इंडिया में वो एनपीसीआई ही करता है। बैंकिंग के रिगार्डिंग सिस्टम का डेवलपमेंट है वो एनपीसीआई ही करता है। यहाँ पे पूछा है सिस्टम को डेवलप किसने किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है एनपीसीआई, ठीक है? तो जो पॉजिटिव पे सिस्टम हो या फिर सीटीएस सिस्टम हो, इसको डेवलप एनपीसीआई ने किया है। इसकी जो प्रोसेस है, इसका जो सिस्टम है जहां पे हम ये चीजें एंटर करते हैं, वो डेवलप किया है एनपीसीए ने। इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाता है आरबीआई। दोनों चीजें अलग अलग है, तो डेवलपमेंट एनपीसीए ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम मेजोरिटेरियम इन एजुकेशन लोन।
एजुकेशन लोन में मैक्सिमम मोरिटोरियम कितना हो सकता है? पीरियड ऑफ स्टडी, पीरियड ऑफ स्टडी प्लस 5 ईयर, पीरियड ऑफ स्टडी प्लस 1 ईयर, या फिर नो मोरिटोरियम? आई थिंक सभी का सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पीरियड ऑफ स्टडीज प्लस 1 ईयर, या फिर पीरियड ऑफ स्टडीज और जॉब अगर 1 साल से पहले ही लग जाती है तो वहां पे भी मॉरिटोरियम एंड हो जाता है। जैसे आपकी जॉब लग गई तो आपको यहाँ पे जो एजुकेशन लोन की किस्त है, EMI है, वो पे करनी होती है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी प्लस 1 ईयर होता है, जॉब नहीं लगती है तो भी आपको 1 साल के बाद तो यहाँ पे किस्तें हैं वो भरनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर डायरेक्टिव बैंक शुड एंश्योर टू ऑब्टेन ए न्यू रिन्यूअल लॉकर एग्रीमेंट बाई विच डेट? अब लॉकर एग्रीमेंट जो हमने बताया था कि यहाँ पे फेज में कंप्लीट करना है 25, 50, 75 और 100%, तो 100% किस डेट तक, कौन से फेज में यहाँ पे कंप्लीट करना होगा वो डेट बताइए। नए लॉकर एग्रीमेंट लेने हैं जो पुराने कस्टमर्स थे तो उनसे न्यू लॉकर एग्रीमेंट किस डेट तक लेने हैं? सभी का सही होगा, कई बार पढ़ाया है मैंने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 31 दिसंबर 2023 तक सभी से नए लॉकर एग्रीमेंट लेने थे। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ UMRR, अब हम फुल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। UMRN की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक मास्टर रेफरेंस नंबर, यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर, यूनिवर्सल मैंडेट रेफरेंस नंबर, यूनिक मैंडेट रिपोजिटरी नंबर। फटाफट आंसर करेंगे, कितने लोगों का इसका आंसर आता है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। UMRN होता है यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर। कहां पे ये चीज अप्लाई होती है? जो NACH होता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, वहां पे NACH में यहाँ पे कोई मैंडेट दिया गया है तो इसके लिए एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। अब NACH में कस्टमर क्या देता है? मैंडेट देता है, तो मैंडेट के लिए एक यूनिक नंबर जनरेट होता है जिसे रेफरेंस नंबर बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर। इस UMRN नंबर से ही कस्टमर का अमाउंट डिडक्ट होता है, ये एक यूनिक नंबर होता है NACH के केस। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ केयर क्रेडिट रेटिंग कंपनी। अब केयर जो क्रेडिट रेटिंग कंपनी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, कार्ड एनालिसिस एंड रिपोर्ट लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिपोर्ट लिमिटेड, क्रेडिट एनेक्सर एंड रिसर्च लिमिटेड। फटाफट आंसर करिए, केयर की फुल फॉर्म कितने लोगों को आती है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड है वो केयर की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन CRARC स्टैंड्स फॉर, अब बताइए CRAR करार क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, फुल फॉर्म पता है ना, तो सी किसके लिए है? कैपिटल के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन PFMS S स्टैंड्स फॉर, PFMS की फुल फॉर्म क्या होती है? फटाफट बताएं PFMS की फुल फॉर्म क्या होती है और S के लिए क्या आता है? सर्विस सेफ्टी सिक्योरिटी या फिर सिस्टम? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, तो एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईज स्टैंड्स फॉर, अब आपने ईज सुना होगा ना, ईज 4.0 का एजेंडा क्या है, इस टाइप से आपने बैंक में सुने होंगे ना, कभी सर्कुलर्स में देखा होगा, तो ईज की फुल फॉर्म क्या होती है? अब इसका आंसर फटाफट कीजिए, ईज की फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? ईज सॉफ्टवेयर भी लेके आ रहे थे एक बार, आपने सुना होगा, तो ऐसा ईज की फुल फॉर्म बताइए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ईज है एनेस्ट एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, एनेस्ट एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, थोड़ा ध्यान में रखना भी ईज का। अब IFSC कितने डिजिट का कोड होता है, हमें सभी को पता होगा 11 डिजिट का कोड होता है। ठीक है, अब इसमें पहले 4 कैरेक्टर हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं या ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट 6 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बैंक को या ब्रांच को, और 5th कैरेक्टर क्या होता है? अब 5th करेक्टर तो रिजर्व करेक्टर होता है, हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब दो चीजें रह गई हमारे पास, बैंक और ब्रांच, ब्रांच और बैंक, अब आंसर कीजिए। तो पहले 4 डिजिट हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट के 6 डिजिट हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, IFSC 11 डिजिट का कोड होता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4i कंसेप्ट मीन्स, अब आपने कभी बैंकिंग में ये टर्म सुनी है क्या कि 4 अंकों से देख करके करिए? भाई 4 अंकों से देख लीजिए अच्छी तरह से। तो 4i कंसेप्ट का क्या मीनिंग है? एंटर और वेरीफाई करने वाला है ट्रांजेक्शन को वो 2 बार देखेगा एक पर्सन, या फिर एंटर और वेरीफाई करने वाला है ट्रांजेक्शन को वो 2 बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से देखेगा, या फिर एंटर और वेरीफाई करने वाला जो ट्रांजेक्शन है वो 2 डिफरेंट पर्सन है वो देखेंगे उसको अलग अलग बार, या फिर ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट कर देंगे। तो 4i बताइए,
यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 4 अंकों से देखने का मतलब है 2 आंखें जिसने एंटर किया था उसकी, 2 आंखें जिसने वेरीफाई किया था उसने। एंटर और वेरीफाई का जो सिस्टम है, मेकर चेकर का जो कंसेप्ट है, मेकर चेकर का कंसेप्ट है, उसको ही 4 आई बोला जाता है कि अच्छी तरह से देख के करें जिससे गलती की संभावना है वो कम से कम बनी रहे। तो मेकर चेकर का कंसेप्ट है उसको 4 आई कंसेप्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉमिनी कैन एक्सरसाइज हिज राइट। नॉमिनी का राइट कब होता है? अब कई बार आते हैं ना फटाफट कि मुझे है ना आप इस अकाउंट में ये बताइए कि क्यों बताएं भी आप कौन हो, मैं इस अकाउंट का नॉमिनी हूं। तो क्या हुआ भाई आप नॉमिनी हो तो नॉमिनी का राइट कब आता है? ड्यूरिंग डिपॉजिट टेन्योर, या फिर ऑन मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, या कभी भी, या फिर ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिट। फटाफट आंसर कीजिए, आई थिंक सभी का सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो जब तक प्राइमरी अकाउंट होल्डर अलाइव है नॉमिनी का कोई मतलब नहीं है, कहीं भी नॉमिनी पिक्चर में नहीं आता, ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर ही नॉमिनी है, उसके राइट आते हैं, एक्सरसाइज राइट होते हैं। ठीक है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पे DICGC फीस ऑन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। बैंक्स DICGC की फीस है वो कितने टाइम में पे करते हैं? DICGC को जो प्रीमियम है, जो फीस का मतलब है प्रीमियम, तो जो प्रीमियम पे किया जाता है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली? ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हाफ ईयरली बेसिस पे बैंक है वो DICGC को प्रीमियम पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस द गारंटर रीपेज द लोन ही अटेंड्स द स्टेट सो। अब जो लोन का प्राइमरी अकाउंट होल्डर था उसने लोन को रीपे नहीं किया, या ऐसी सिचुएशन आ गई वो लोन रीपे कर नहीं इसका, अब किसी थर्ड पर्सन ने जिसकी गारंटी दी थी उसने लोन को रीपे किया है, तो यहाँ पे गारंटर की पोजीशन होती है, गारंटर की स्थिति होती है, वो क्या होती है, क्या स्टेट्स रहती है गारंटर की? डेटर की, क्रेडिटर की, एजेंट की, या फिर राइट ऑफ सबरोगेशन की? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कितने लोगों को ये पता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राइट ऑफ सबरोगेशन वो होता है, कोई थर्ड पार्टी है वो किसी का यहाँ पे भुगतान कर रही, उसको राइट ऑफ सबरोगेशन बोला जाता है। मतलब प्राइमरी अकाउंट होल्डर ने तो अपना भुगतान किया नहीं, तो कोई थर्ड पार्टी ने उसकी क्षतिपूर्ति की है, एज ए क्लेम मान सकते हो उसको, कि थर्ड पार्टी ने उसकी जो गलती थी वो थर्ड पार्टी ने भुगती है, थर्ड पार्टी ने उसका पेमेंट किया है, तो वो होता है राइट ऑफ सबरोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाइफ सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम पेंशनर्स इन द मंथ ऑफ। अब बताइए पेंशनर से लाइफ सर्टिफिकेट कौन से मंथ में लेते हैं? आई थिंक सभी को आंसर आता होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नवंबर में लेते हैं, और जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे अक्टूबर में भी ले लिए जाते हैं, उनके लिए 2 महीने रहते हैं अक्टूबर नवंबर, और नॉर्मली हम नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ PPF अकाउंट कैन बी परमिटेड बाई। अब PPF अकाउंट का प्री मेच्योर क्लोजर है उसकी परमिशन कौन देता है? ओपनिंग बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, नन ऑफ दिस। फटाफट आंसर करें, कितने लोगों को इसका आंसर आता है? तो आज वाला जो टेस्ट है ना, इसमें क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल के डीपली क्वेश्चंस हैं। बताइए फटाफट आंसर कीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये कंसेप्ट इसका बहुत अच्छा है। अच्छा, कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया है? तो उन सभी का गलत है भाई, ठीक है, और कितने लोगों ने सी किया है? उन सभी का भी गलत है। तो अब क्या बचा है? ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर प्री मेच्योर PPF अकाउंट क्लोज करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री की यहाँ पे परमिशन चाहिए होती है, तभी आप प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हो, ठीक है। एक पर्सन ने 2 PPF अकाउंट ओपन करवा लिए तो कौन से वाला क्लोज होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो सेकेंड अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाया है वो सेकेंड अकाउंट क्लोज होगा, और इस सेकेंड अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। एक पर्सन ने अगर 2 PPF अकाउंट ओपन करवा लिए तो सेकंड वाला क्लोज होगा, चाहे उसके सेकंड वाले अकाउंट में कितना भी बैलेंस हो, सेकंड वाला ही क्लोज होगा, फर्स्ट है उसी को कंटिन्यू कर पाएगा और सेकंड वाले अकाउंट पे कोई भी बैलेंस नहीं मिलेगा, और इसको क्लोज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री की परमिशन रिक्वायर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ। अब जो बैंक गवर्नमेंट बिजनेस करते हैं, जैसे सुकन्या हो गया, PPF हो गया, SC SS हो गया, ये सारे किसके बिहाफ पे कंडक्ट करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, RBI के, या फिर नन ऑफ दी? फटाफट आंसर करें। अब कितने लोगों ने बी आंसर किया है और कितने लोगों ने सी आंसर किया? तो जिन्होंने सी आंसर किया है उन सभी का सही है, ठीक है। तो बैंक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो भी बिजनेस करते हैं वो RBI के बिहाफ पे करते हैं,
यहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं वो आरबीआई से कांटेक्ट करती है, और आरबीआई के बिहाफ पे बैंक्स हैं वो आरबीआई के सब ऑफिसेज के रूप में यहाँ पे वर्क करते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस है उसको कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक्स टू सबमिट विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट टू। अब जो बैंक्स हैं वो विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट है किसको सबमिट करते हैं, और कितने लाख रुपए से ऊपर के अमाउंट वाले विलफुल डिफॉल्टर हैं उनकी लिस्ट सबमिट की जाती है। आरबी विद अकाउंट इन रेस्पेक्टिव ऑफ लाइबिलिटी, यहाँ पे अमाउंट के बारे में कोई मतलब नहीं है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ लाइबिलिटी की, बिना किसी लाइबिलिटी के सारे विलफुल डिफॉल्टर की, या फिर सीबी लिमिटेड को या फिर आरबी को जिनकी विलफुल डिफॉल्टिंग लिमिट 25 लाख या उससे ज्यादा है, या फिर बैंकिंग डिवीजन न्यू दिल्ली को, फटाफट आंसर करें। तो विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट है वो कहाँ पे सबमिट की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कितने रुपए से ज्यादा के अमाउंट पे की जाती है, 25 लाख रुपए से ज्यादा के अमाउंट की, आप इसको ध्यान में रखना, 25 लाख रुपए से ज्यादा के अमाउंट की जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे बैंक्स आरबीआई को सबमिट करते हैं, और कितने टाइम में वेबसाइट पे पब्लिश करनी है, विद इन 1 वीक। बैंक्स आर सबमिट सीटीआर टू FIUIND बाई डेट ऑफ सक्सीडिंग मंथ, बाई डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। अब FIUIND को सीटीआर रिपोर्ट क्या होती है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती है, तो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कितने टाइम में सबमिट करनी होती है, करेंसी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी इसको बोला जाता है, 30 दिन में, 15 दिन में, 7 दिन में, या फिर 1 डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम पीएनबी से रिलेटेड 51 से 65 है क्वेश्चन है वो करेंगे। अब सीबीएस मेन्यू की बात करेंगे, कस्टमर आईडी सस्पेंड करने का क्या मेन्यू होता है, बताइए फटाफट आंसर करें, सभी का सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, CUMMSUSP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन्यू फॉर कैश ट्रांजेक्शन ओपन, अब कैश ट्रांजेक्शन ओपन करने के लिए कौन सा मेन्यू होता है, HOCST, HOXFT, HOCTM, HCash, या फिर सर बोल दो कि यहाँ पे इनेबल यूजर होता है वो तो दिए ही नहीं है, क्यों भाई ऐसा भी लग रहा है क्या किसी को, तो डे बिगिन करने के लिए इनेबल यूजर यूज करते हैं, उसके बाद हम HOCST और HOXFT चलाते हैं। HOCST है वो कैश ट्रांजेक्शन के लिए, HOXFT है वो यहाँ पे ट्रांसफर ट्रांजेक्शन के लिए। अब कुछ साथी वो बोल रहे होंगे कि HOXFT चलाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, तो वो एक अलग चीज है, बाकी ये चीजें होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन्यू फॉर अकाउंट क्लोजर, अब अकाउंट क्लोजर लिखा है, अब कुछ ये बोल देंगे कि यहाँ पे तो ये नहीं लिखा कौन सा अकाउंट है, जब कौन सा अकाउंट कुछ नहीं लिखा तो जनरल सेविंग अकाउंट मानना है आप, ठीक है, लोन अकाउंट है तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि लोन अकाउंट क्लोज करने का क्या मेन्यू है, कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मल अकाउंट के बारे में, सेविंग अकाउंट के बारे में बोलना है, तो कौन से अकाउंट से होगा, HCACC। HCACC किस लिए होता है, चार्ज कलेक्ट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेन्यू फॉर ट्रांसफरिंग CA फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, अब किसी कस्टमर के दो ब्रांच में अकाउंट है, ठीक है, वो जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है उस ब्रांच में उसकी कस्टमर आईडी नहीं है, लेकिन वहां पे वो अलर्ट करवाना चाहता है, तो आप अलर्ट कैसे करोगे, बेस ब्रांच के अलावा आप अलर्ट कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो कस्ट आईडी है उसको आपको अपनी सोल में यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा मेन्यू होगा, CIFTRF, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, CIFTRF से ये जो कस्टमर आईडी थी वो आपके सोल में आ जाएगी, उसके बाद आप इस पे अलर्ट्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NPS रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा मेन्यू है, HREG NPS, HNPS REG, HNPS कौन और HNPS, फटाफट आंसर करें, कितने लोगों को आता है, सभी को आता है, यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, HNPS REG। जब मैंने CBS मेन्यू ऑप्शन वहाँ पे पढ़ाए थे तो मैं वहाँ पे H लगाना भूल गया था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये टेस्ट में इंक्लूड किया है, आपको ये ध्यान में रखना है, मेन्यू NPS रजिस्ट्रेशन का है, उसमें H भी लगता है, HNPS REG इसका मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन्यू फॉर एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस, अब खर्चे के वाउचर्स जो हम डालते हैं तो उसे एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस करने के लिए कौन सा मेन्यू होता है, HEXTM, EXTM, EXTM Del और HTM, फटाफट आंसर करें, ऑप्शन नंबर ए किसी ने टिक किया है, अच्छा सभी का सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सपेंडिचर EXTM से मेंटेनेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम QAB इन PNB ट्विन CA+SF स्कीम फॉर सेविंग अकाउंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो PNB ट्विन अकाउंट है जिसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का कॉम्बो है, उसमें मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट के लिए कितना है, अब यहाँ पे दो अकाउंट है, एक तो सेविंग अकाउंट है, एक है करंट अकाउंट, दोनों में अलग अलग मिनिमम बैलेंस रखा गया, अब फटाफट आंसर करें, कितने लोगों को इसका आंसर आता है, यस कितने लोगों का सही है,
कि सर हमें तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में तो 25,000 रुपये का मिनिमम QAB आपको रखना है, और करंट अकाउंट है उसमें 50,000 रुपये का QAB रखना है। दोनों चीज में ध्यान में रखें, सेविंग अकाउंट मतलब छोटा अकाउंट होता है, सेविंग में नॉर्मली कम होता है तो 25,000 है, और करंट अकाउंट इससे बड़ा अकाउंट होता है तो करंट अकाउंट में 50,000 है। दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए, सेविंग अकाउंट के लिए 25,000 और करंट अकाउंट के लिए, ट्विन अकाउंट की हम बात कर रहे हैं PNB ट्विन की, तो करंट अकाउंट के लिए 50,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्क वेट ऑन NPA रिस्ट्रक्चर टेकन ओवर अकाउंट टिल नोट स्टार्टेड। अब कोई भी अकाउंट था, NPA अकाउंट था, उसको रिस्ट्रक्चर किया है और वो अकाउंट अभी तक स्टैंडर्ड कैटेगरी में अपग्रेड नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब रिस्ट्रक्चर तो कर दिया, स्टैंडर्ड कैटेगरी में अपग्रेड होने के लिए नॉर्मली 1 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे होता है, स्टैंडर्ड कैटेगरी में अपग्रेड नहीं हुआ है तो इस पे रिस्क वेट कितना बना रहेगा, 100% का, 50% का, 25% का, या फिर 10% का? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को इसका आंसर आता था? तो इस टाइप्स की चीजें हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, पर थोड़े डेप्थ में हैं, कंसेप्चुअल हैं। ईआरबी ये कंडक्टेड अंडर व्हिच पिलर ऑफ वेसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, खास करके जो क्लेरिकल टू ऑफिसर बैठ रहे हैं। ईआरबी ये बेसल के कौन से पिलर में डिफाइन किया गया है, पिलर वन में, पिलर टू में, पिलर थ्री में, तीनों पिलर मैंने आपको बता दिए हैं। पिलर वन कौन सा होता है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पिलर टू कौन सा होता है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, पिलर थ्री कौन सा होता है, मार्केट डिसिप्लिन। तो यहाँ पे ईआरबी में क्या करते हैं हम, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट की जाती है, ऑडिट में हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू कौन से पिलर में आता है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पिलर टू। तो जो ऑडिट है ईआरबी है वो पिलर टू में डिफाइन किया गया है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में। कंसेप्ट पूरा समझा दिया मैंने, आ गया होगा समझ में। कंप्लायंस ऑडिट शैल बी कंडक्टेड इन एट लीस्ट ऑफ नॉन कॉन्क्यूरेंट ऑडिट ब्रांच ऑफिस एवरी ईयर। अब कुछ ब्रांच में कॉन्क्यूरेंट ऑडिटर होते हैं, मतलब कॉन्क्यूरेंट ऑडिटर का मतलब क्या हुआ, रेगुलर ऑडिटर यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, रेगुलर ऑडिटर बैठते हैं, ये लगातार यहाँ पे आपकी चीजें वो देखते रहते हैं। तो जो नॉन कॉन्क्यूरेंट ऑडिट ब्रांच हैं, जहाँ पे रेगुलर ऑडिटर नहीं बैठते हैं, वहाँ पे कितने टाइम में, कितने परसेंटेज ब्रांच में कॉन्क्यूरेंट ऑडिट है, जहाँ पे कॉन्क्यूरेंट ऑडिट नहीं हो रही वहाँ पे कंप्लायंस ऑडिट होनी चाहिए। तो वहाँ पे होती है कंप्लायंस ऑडिट, कितने टाइम में और कितने ब्रांचेज में होनी चाहिए ये बताइए फटाफट। तो यहाँ पे परसेंटेज पूछा है कि ओवरऑल कितनी ब्रांचेज में प्रत्येक साल ये कॉन्क्यूरेंट ऑडिट के अलावा कंप्लायंस ऑडिट है वो होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, 5%, 10%, 20%, 50%? कि सर हमें तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए, हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कम से कम 10% ब्रांच है उनमें कंप्लायंस ऑडिट होनी चाहिए, नॉन कॉन्क्यूरेंट ऑडिट वाली ब्रांचेज में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केसेस ही कोलेटरल इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू एंड रुपीज इन केस ऑफ टाई अप अरेंजमेंट। अब बैंक का टाई अप अरेंजमेंट है कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो वहां पे अलग कोलेटरल की लिमिट रखी गई है, और विदाउट टाई अप का आपको पता ही होगा। अब बताइए, ये क्वेश्चन एक बार मुझसे किसी ने पूछा था, मैसेज करके पूछ रहे, तो अब भाई ध्यान से देख लेना कि सर यहाँ पे तो ये लिखा है, आपने ये पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कितने तक कोलेटरल नहीं चाहिए, 1,60,000 रुपये, 1.60 लाख तक। लेकिन अगर टाई अप अरेंजमेंट है तो वहां पे अलग चीजें होती हैं। टाई अप अरेंजमेंट बैंक टू बैंक वेरी करता है, किसी बैंक का टाई अप अरेंजमेंट हो सकता है, किसी का नहीं भी हो, किसी ने लिमिट ज्यादा रखी हो, किसी ने कम भी रखी हो, ये बैंक स्पेसिफिक चीज है। तो यहाँ पे PNB के रिगार्डिंग 3 लाख रुपए का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विदाउट कोलेटरल 1 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए तक की केसीसी की जा सकती है, और 3 लाख रुपए तक की केसीसी है वो टाई अप अरेंजमेंट में यहाँ पे विदाउट कोलेटरल हो सकती है। और नेक्स्ट चीज, जो ई रिन्यूअल होता है ना केसीसी का, आजकल ई रिन्यूअल भी होता है, मैसेज भेज के रिन्यू किया जा सकता है, ये ई रिन्यूअल भी 1.60 लाख तक ही होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना है। 1.60 लाख से ऊपर का फिर आपको रिन्यू करवाना है तो ब्रांच के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। और रिव्यू कब होता है, रिव्यू एवरी ईयर होता है, और रिन्यू 5 ईयर से होता है, ये चीज भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PNB प्राइम प्लस स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। PNB प्राइम प्लस स्कीम में बताइए अब इनमें से कौन सा सही नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूटिंग वर्क ऑन बिहाफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर शैल बी एलिजिबल, ठीक है। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे वर्क करते हैं, मिनिमम कोलेटरल क्या 40% चाहिए, बिजनेस यूनिट शुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन देयर लाइन ऑफ बिजनेस फॉर मिनिमम ऑफ 1 ईयर, कम से कम 1 साल का बिजनेस यहाँ पे होना चाहिए, यूनिट सोल्ड हैव कैश प्रॉफिट इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, और ये जो यूनिट्स हैं वो प्रॉफिट में होनी चाहिए, लॉस वाली नहीं होनी चाहिए।
असेसमेंट ऑफ ओडी लिमिट शैल बी एज पर कैश बजट मेथड, ओडी लिमिट की असेसमेंट है वो कैश बजट मेथड के अनुसार होनी चाहिए। अब इसका आंसर कितने लोगों को आता है कि सर ऐसा तो हमने देखा नहीं, पढ़ा भी नहीं, क्यों? भारी चीज है, भारी चीज है ना। यहाँ पे बाकी सारी चीजें सही है, ये जो मिनिमम कोलेटरल है ना, ये कोलेटरल 50% होती है, ठीक है, और इसको जो जेडो सीएसी होता है वो कम कर सकता है 40% तक। नॉर्मल केस में ये 40% नहीं होगी, तो ये गलत है। तो कौन सा यहाँ पे गलत है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो ट्रू नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 40% मिनिमम लिमिट नहीं होती, 50% होती है, लेकिन जेडो सीएसी के पास ये पावर होती है जोनल ऑफिस के पास कि इसको 40% तक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्विक मोर्टिलिटी केसेस वेयर अमाउंट अट्रैक्ट स्टाफ अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरीली। अब जो क्विक मोर्टिलिटी वाले केस कौन से होते हैं, जो अकाउंट डिस्पर्स होने के साथ ही एनपी हो गए, विद इन वन ईयर एनपी हो गए, तो वहां पे स्टाफ अकाउंटेबिलिटी डिसाइड की गई, कितने अमाउंट के तक यहाँ पे स्टाफ अकाउंटेबिलिटी है वो डिसाइड की गई, 10 लाख और उससे ज्यादा, 20 लाख और उससे ज्यादा, 25 लाख और उससे ज्यादा, या फिर 50 लाख और उससे ज्यादा, फटाफट आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रुपए 25 लाख एंड अबोव पे यहाँ पे क्विक मोर्टिलिटी में स्टाफ अकाउंटेबिलिटी है वो डिसाइड की गई है, यानी इस अमाउंट से ऊपर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी है वो अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीपेमेंट पीरियड ऑफ माई प्रॉपर्टी लोन अंडर टर्म लोन इन एंड ओडी रिड्यूसिंग बैलेंस टाइप। अब माई प्रॉपर्टी लोन में टर्म लोन हो सकता है या फिर रिड्यूसिंग डीपी में ओडी भी हो सकती है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकती है, तो रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, 10 साल 15 साल का, 15 साल 10 साल का, 15 साल 15 साल का, या फिर 15 साल 20 साल का, फटाफट आंसर करें। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चाहे आप माई प्रॉपर्टी लोन में टर्म लोन ले लो या फिर रिड्यूसिंग लिमिट की डीपी ले लो, दोनों का टर्म लोन का जो टेन्योर रहता है वो 15 साल रहता है, 15 साल में कंप्लीट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एम्पैनल्ड ज्वेलर्स रोप फॉर वैल्यूइंग गोल्ड इन केस ऑफ गोल्ड लोन्स। अब गोल्ड लोन के केस में जो ज्वेलर्स हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए जो गोल्ड की वैल्यूएशन करेंगे, जैसे सर्च रिपोर्ट के केस में एडवोकेट करते हैं ना, उसी टाइप से गोल्ड की वैल्यूएशन करके देते हैं, और उस वैल्यूएशन के हिसाब से हम यहाँ पे लोन देते हैं। गोल्ड लोन में एलटीवी रेशियो 75% तक मेंटेन करना होता है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे गोल्ड लोन में ज्वेलर्स की जो श्राप होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होगी, 18 से 60 साल, 18 से 65 साल, 30 से 65 साल, या फिर 21 से 65 साल, फटाफट आंसर करें। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 30 साल से 65 साल की एज होनी चाहिए। कितने लोगों का ये आंसर करेक्ट है, हमने टेस्ट में भी दिया था, तो सभी लोगों का करेक्ट होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, चीजें अच्छी लग रही होगी, तो एक बार लाइक जरूर कर दें सेशन को, अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।